दोस्तों अगर आप भी धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों धोनी के छक्कों और जाडेजा के बल्लेबाजी के बाद तो आज एमए चिदंबर स्टेडियम में धोनी का नाम गूंज उठा। कैसे आज धोनी ने मैदान में अचानक छक्का जड़कर सबको हैरान करके रख दिया। धोनी के इन सिक्सेस और आज सीएसके की पूरी बैटिंग का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और धोनी के वो खतरनाक छक्के जिसे देखकर जाडेजा भी हैरान रह गए थे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और रोहित में से सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल के मुकाबले तो बहुत होते हैं, लेकिन उन मुकाबलों में धोनी मैदान में आए और आते ही खतरनाक बैक टू बैक छक्के लगा दे, ऐसा रोमांचक मुकाबला तो शायद ही कभी देखने को मिलता है। लेकिन आज ऐसा ही देखने को मिला। चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2023 के 55वें मुकाबले में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में दोस्तों चेन्नई की टीम को हर हाल में जीतना था, क्योंकि अब प्लेऑफ की दौड़ आसान नहीं। दिल्ली की टीम के पास पाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन अब खोने को भी कुछ नहीं बचा। लेकिन आज मानना पड़ेगा कि दिल्ली की टीम की गेंदबाजी शुरुआत में चेन्नई के सिरों पर आवी पड़ गई। दोस्तों धोनी ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऋतुराज गायकवाड़ ने 18 गेंदों में 24 तो वहीं डेविन कॉनवे ने 13 गेंदों में 10 बना भी लिए थे। एक अच्छी ठीक ठाक शुरुआत मिल गई थी कि तभी पारी के 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेम को पलट कर रख दिया। जब उन्होंने डेविन कॉनवे को LBW आउट किया तो दोस्तों डेविन कॉनवे के 10 रन पर LBW आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी 24 रन पर अक्षर पटेल का ही शिकार बने। इसके बाद बाकी खिलाड़ियों से उम्मीद थी कि राणे, मोइन अली, शिवम दुबे सब बड़े खिलाड़ी है, लेकिन आज सबके सब फ्लॉप रहे। दोस्तों राणे 21, मोइन अली 7, शिवम दुबे 25 रन पर आउट हो गए। यहाँ तक कि राइडू भी 17 में 23 ही लगा पाए। हालत तो ये हो गई कि 126 पर 6 विकेट हो गए थे और तब मैदान में एंट्री होती है रविंद्र जाडेजा और महेंद्र सिंह धोनी की। और फिर दोस्तों धोनी ने 2 गेंदों में 2 ऐसे खतरनाक बैक टू बैक छक्के जड़ दिए कि देखकर आज उनके दुश्मन भी उनके लिए तालियां बजा रहे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि धोनी और जाडेजा की ये पार्टनरशिप चमकी पारी के 18वें ओवर में। कुलदीप यादव उनके सामने थे और धोनी और जाडेजा उनके सामने है तो उनके पैर तो कांपने ही थे। इस ओवर में जाडेजा एक छक्का लगा चुके थे। दोस्तों अगले ओवर में धोनी का सामना खलील अहमद से हुआ और खलील अहमद को ऐसे 2 छक्के लगाए धोनी ने कि जाडेजा ने भी झुक कर सलाम कर दिया। दोस्तों खलील अहमद के कदम तो वैसे ही डगमगा रहे थे, क्योंकि उनके सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान और फिनिशर जो खड़ा था। ओवर की पहली गेंद पर धोनी को 1 रन मिला और जाडेजा ने फिर से स्ट्राइक धोनी को दी और तीसरी गेंद पर दोस्तों धोनी ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। खलील अहमद को दोस्तों मिड विकेट की तरफ एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा महेंद्र सिंह धोनी ने कि देखकर साक्षी धोनी भी चौंक उठी थी। धोनी के सिक्सेस के बाद मैदान पर उनके नाम की गूंज डबल हो गई। इतना ही नहीं, इस ओवर की 4थी गेंद पर धोनी ने चौका भी लगाया और जाते जाते एक और छक्के को सलामी देकर गए। जी हां दोस्तों, खलील अहमद की एक स्लोअर गेंद पर धोनी ने आउटसाइड ऑफ की तरफ एक और शॉट लगा दिया और गेंद जाकर गिरी सीधा स्टैंड में और इस छक्के की लंबाई लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा थी। और धोनी दोस्तों इस छक्के के बाद 8 गेंदों में 20 रन लगा चुके थे। धोनी का यही कहर दोस्तों दिल्ली की टीम पर इतना हावी हो गया कि मानो गेंदबाज गेंदबाजी करना भूल गए थे जो फॉर्म में नहीं चल रहे थे। दोस्तों धोनी के छक्के ने सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों धोनी की इस खतरनाक पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।